हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं अपने संडे जो गार्डन की अपडेट है वही आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए मेरे टिकोमा के प्लांट सबसे फर्स्ट में, और बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं ये देखिए। और इनमें जितनी भी ब्रांच है सभी में ऐसे कलियाँ आ रही हैं, ऐसे बंच में फ्लावर आ रहे हैं देखिए, और बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं ये छोटी छोटी सी। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है पूरे समर सीजन और पूरे रेनी सीजन, बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करता है। सिर्फ एक आध महीने जो विंटर के होते हैं उसमें डोरमेंसी में चला जाता है, बाकी टाइम आप इसको उस टाइम पे आप प्रून कर दीजिए तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है फिर, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर। इसमें कलर भी 2-3 कलर आते हैं जो कि सारे कलर ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो ये मेरा इसका ये मदर प्लांट है, और इसी की कटिंग लेकर मैंने ये 2 प्लांट लगाए थे। इसमें मैंने 2 प्लांट लगा कर रखे हुए हैं, और एक प्लांट मैंने यहाँ पर भी लगाया हुआ है। मैं आपको हर अपने अपडेट में दिखाती रहती हूँ। देखिए कितने सारे बंचेस में कलियाँ आ रही हैं, इसमें पूरी बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं सारी ब्रांच पे। बहुत ही अच्छा यानी ब्यूटीफुल से प्लांट होता है, और देखिए इसकी ग्रीनरी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है एकदम। और इधर देखिए एडेनियम, एडेनियम को मैंने प्रून कर दिया था, इसमें देखिए न्यू न्यू शूट्स निकलने स्टार्ट हो गई हैं। और इसमें पहले भी 10-15 ब्रांच थी, 10-12 ब्रांच, और अभी देखिए इसमें जब ये नई ब्रांच इसमें निकलेंगी तो बहुत ज़्यादा घना होने वाला है ये प्लांट मेरा, और सब जगह से इसमें छोटी छोटी शूट्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं देखिए। और 2 प्लांट मेरे और हैं एडेनियम के अभी, तो उन सबको मैंने प्रून कर दिया है। इधर देखिए 4 o'clock का प्लांट है, इधर ये डहेलिया, डहेलिया में काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं, पर बारिश की वजह से इस बार बहुत सारे प्लांट बहुत सारे यानी ख़राब हो गए हैं। प्लांट तो नहीं ख़राब हुए हैं पर फ्लावर जो भी आते हैं वो सब ख़राब हो जाते हैं। तो अभी तो इस टाइम पर नहीं हो रही, लेकिन लगभग 1 हफ्ते पहले जो बारिश हुई थी उससे काफ़ी फ्लावर डैमेज हो गए थे, जो कि खिल खिल के तुरंत यानी ख़राब हो जाते हैं। और ये प्लांट मेरा अभी खिला नहीं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, और कुछ फ्लावर इसके मुरझा भी गए हैं, तो मैंने इनको सीड के लिए छोड़ दिया था ताकि मुझे ये नेक्स्ट सीजन के लिए सीड इसके तैयार हो जाए। तो मैं देखती हूँ इसमें सीड बन रहे होंगे तो रखूँगी, नहीं तो फिर मैं इन सबको भी कट करके हटा दूँगी। और इधर देखिए एस्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा सा कलर है एकदम पिंक कलर का, और काफ़ी अच्छा ब्लूम्स हो रहा है ये भी। 2 प्लांट मेरे वाइट कलर के थे जो कि अभी वो ख़त्म हो चुके हैं, अभी मैंने उनको 3rd फ्लोर पर उठा कर रख दिया है क्योंकि यहाँ पर थोड़े सूख गए थे उनके प्लांट सारे फ्लावर, तो मैंने उनको रख दिया है उठाकर। और इधर देखिए विनका बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है, बहुत प्यारा सा कलर है इसका भी। तो इसकी मैंने कटिंग भी लगाई है और वो कटिंग्स भी ग्रो हो गया बहुत अच्छे से। इधर ये देखिए फ्लॉक्स के फ्लावर हैं सारे, और एक ये मेरा पिंक कलर का पेंटास है जिसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है, तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। और इधर देखिए जेरेनियम, जेरेनियम बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, और बहुत प्यारा सा कलर है देखिए, रेड कलर का बहुत ज़्यादा पूरे बंच में फ्लावर आते हैं इनमें। और एक स्टॉक इधर निकली है, एक ये देखिए बहुत अच्छे इसके ग्रिप पत्ते भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और ये इधर पिंक जेरेनियम है, ये भी काफ़ी दिनों से खिल रहे हैं और बहुत अच्छे से खिल रहे हैं ये देखिए। इसका देखिए एक बंच ये फ्लावर ख़त्म हो गया है, तो इसमें सीड तो नहीं लग रहा है कि सीड बन रहा है, तो मैं इनको सबको कट करके हटा दूंगी। और ये देखिए इधर पिटूनिया, पिटूनिया बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, बहुत प्यारे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं ये कलर भी, ये देखिए, और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये पूरा इधर ऐसे। और इधर ये साल्विया, साल्विया में भी बहुत अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं, मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी ब्लूमिंग करता है, नहीं तो मैं रेड कलर का लाने वाली थी क्योंकि रेड कलर मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे लगा था कि ये शायद एक बार खिल के फिर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इसीलिए फिर उस प्लांट को नहीं लेकर आई, तो नहीं तो नेक्स्ट ईयर मैं लाऊँगी तो खिला हुआ प्लांट ही लेकर आऊँगी जो कि रेड कलर में रहेगा, तो उसको देखूँगी ला करके, क्योंकि बहुत ही प्यारा से फ्लावर पत्तियाँ भी इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और फ्लावर भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो रेड कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरह से मैं उसको इस बार तो नहीं ला पाई हूँ, लेकिन अगली बार मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और ये ग्लाडिया में फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं ये भी। इधर देखिए डहेलिया रेड कलर के, इनके फ्लावर भी अब धीरे धीरे सूख रहे हैं, लेकिन नई निकलियाँ आ भी रही हैं। ये देखिए पिंक कलर का डहेलिया, और देखिए काफ़ी सारे फ्लावर आ रहे हैं डहेलिया में बहुत अच्छे से, और ये देखिए कलियाँ भी आ रही हैं। और इधर मेरा ये सनफ्लावर है जिसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया है आप लोग के साथ, ये देखिए
इसमें तीन फ्लावर आ चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। और मैंने सनफ्लावर के प्लांट इस बार बहुत सारे लगाए हैं, तो पूरी समर ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। विंटर में वैसे चल जाते हैं, धूप बस इनको अच्छी मिलनी चाहिए। ये देखिए कितने ज़्यादा यानी लंबे भी हो गए हैं इनके प्लांट। और इधर देखिए पिटूनिया और ये इम्पेशन काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं। और अभी देखिए ओस पड़ी हुई है प्लांट में, तो फिर मैं अपने किचन में काम करने लगती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो शूट करने का, इसलिए मैंने सोचा आज सुबह सुबह मैं बना लेती हूँ। और इधर ये देखिए जो मेरे डक रखे हुए हैं, और ये डेंथस, डेंथस भी काफ़ी सुंदर सा है। ये देखिए अभी पत्तियाँ बिल्कुल पानी पानी सा हो रहा है इनमें। और इधर ही पिटूनिया, पिटूनिया काफ़ी अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख करके। और ये बिगोनिया, बिगोनिया भी बहुत ब्यूटीफुल सा है, बहुत प्यारा सा कलर है। और इनके आपस से सूखे हुए फूलों को हटाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होती है। और इस प्लांट ने मेरी इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग की है, जबकि मैंने लगभग ये जो फेब का मंथ है इसमें बिल्कुल भी फर्टिलाइजर नहीं दिया अपने किसी भी प्लांट को। और ये देखिए इधर ये पिटूनिया, ये सारे इधर पिटूनिया ही हैं जितने भी हैं। और इधर ग्लाडिया के फ्लावर हैं। और पेपर फ्लावर देखिए अभी बंद हैं क्योंकि अभी धूप नहीं पड़ी है, तो ये खिले हुए भी नहीं हैं बिल्कुल भी। और ये इधर कैलेंडुला है जो कि बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं। इस बार सीड अच्छे से नहीं बन रहे हैं इनमें, देखती हूँ मार्च अप्रैल तक में इनमें सीड बन जाएंगे तो मैं कलेक्ट करके रख लूँगी। इधर ये एक रेड पेंटास जो कि मैंने आपके साथ इसके वीडियो भी शेयर किया हुआ है, और देखिए इसकी भी ब्रांच कितनी बड़ी बड़ी सी होगी। यहाँ से मैंने कट किया था तो ये ब्रांच नई नई निकल कर आए हैं, सभी में बड्स भी बन गई हैं। और ये जब फ्लावरिंग पे आएगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इधर ये वर्बीना, वर्बीना के काफ़ी सारे फ्लावर ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, यानी मैंने सबको कट करके हटा दिया है ऐसे सूखे हुए फूलों को। और ये धीरे धीरे इनमें नई कलियाँ आ रही हैं, इसको भी मैंने बहुत दिनों से फर्टिलाइजर भी नहीं दिया है। और जब बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से इसके बहुत सारे फ्लावर यानी ख़राब हो गए थे, तो उन सबको मैंने फिर कट कट करके हटा दिया था। ये देखिए तब भी इतनी फ्लावरिंग अभी भी इनमें है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इधर ये कैलेंडुला ऑरेंज कलर के, जो मैंने उस समय दिखाया वो येलो कलर का कैलेंडुला है, ये देखिए। और ये ऑरेंज है। इधर ये देखिए इम्पेशन, इम्पेशन की ग्रोथ मेरी अच्छी हो रही है पर अभी फ्लावरिंग नहीं हुई इसमें। और ये कैलेंडुला भी, ये कलांचो, कलांचो बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। और इधर देखिए स्ट्रॉबेरी के प्लांट, स्ट्रॉबेरी में अभी फ्रूटिंग कुछ में हो रही है, जो मेरे छोटे वाले प्लांट हैं इनमें हो रही है देखिए। और इस प्लांट की तो फ्रूटिंग अभी बंद हो गई है। और इधर ये कोलियस है, कोलियस भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा सा है। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी, ये देखिए इसमें भी अभी ओस पड़ी हुई है, बिल्कुल पानी देखिए पड़ा हुआ है। और इधर ये मेरा चांदनी का प्लांट है, उसके बाद ये यहाँ से दिखता है मेरा गार्डन ऐसा, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, फूलों से भरा हुआ, बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए इधर डहेलिया और सनफ्लावर। और इधर देखिए जीनिया के प्लांट है, क्योंकि जीनिया के मेरे पास ये वाला कलर बहुत ज़्यादा हो गया है। इधर देखिए अडेनियम की सीडलिंग जो मैंने की थी, कितने सुंदर बेबी प्लांट हुए हैं और कितने हेल्दी हो गए हैं ये। और ये देखिए कोचिया की सीडलिंग, ये भी अच्छे से बढ़ रही है। और इधर इसमें भी अडेनियम के प्लांट लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो मैं इनमें से दो चार प्लांट ही लगाऊंगी, बाकी मैं देखूंगी अगर किसी को ज़रूरत होगी तो उनको मैं गिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि इतने सारे प्लांट लगाने के लिए ना तो मेरे पास जगह है और ना ही मैं इनको रख सकती हूँ। और इधर देखिए मेरे सारे पिटूनिया जो मेरे थर्ड फ्लोर पर रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, इनमें कुछ सीड पॉट भी बनने लगे हैं। और मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे इनके स्टेम फ्लावर हटाने के लिए, बहुत सारे फूल सूखे हुए हैं इनमें जो कि मुझे कट करके हटाने भी हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं ये। और ये देखिए बहुत सारे फ्लावर आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एकदम फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। और गजानिया में तो अभी बिल्कुल भी फूल खिले नहीं हैं, क्योंकि बिल्कुल सुबह का टाइम है, जब तक इनमें अच्छे से धूप नहीं पड़ जाती तब तक इनमें बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं होती है। और कुछ फ्लावर मैंने छोड़ के भी रखे हैं, शायद इनमें सीड बन जाएंगे। तो ये देखिए इधर ये पिटूनिया, पिटूनिया में एक इसमें का कॉस्मस का प्लांट भी उगाया है, तो ये देखिए ये भी फ्लावरिंग पर आ गया है। इधर देखिए क्रिसेंथेमम में अभी भी कलियाँ आ रही हैं और ये खिल भी रहे हैं, ये देखिए इन ब्रांच पर भी कलियाँ आ रही हैं, तो ये ऐसे चलते रहते हैं। और इधर देखिए जीनिया, पिंक कलर का जीनिया,
क्योंकि बहुत अच्छा है, यानी खूबसूरत से लगता है। इसके सूखे हुए फूलों को हटाते जाते हैं तो नए नए कलर ऐसे नए फूल आते जाते हैं, नहीं तो इनके फूल सारे ये देखिए ऐसे मुरझाए हुए से हो जाते हैं। इनका कलर थोड़ा उड़ सा जाता है। इधर देखिए मैरीगोल्ड है, जाफरी मैरीगोल्ड। और ये मेरे सारे जो मैंने अभी समर की तैयारी की है थोड़ी सी, वही सारे प्लांट हैं। इस बार मैं ज़्यादा प्लांट नर्सरी से भी नहीं लेकर आऊँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास सनफ्लावर के प्लांट तो बहुत सारे हो गए हैं और जीनिया के भी बहुत सारे प्लांट हो गए। कुछ मैंने और दूसरे कलर भी ग्रो किए हैं तो वो भी सारे ग्रो हो गए हैं। छोटे छोटे बेबी प्लांट हैं, ये देखिए कितने सारे प्लांट हैं और बहुत अच्छी इनकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं एक दो वेराइटी और जो समर की होती है फूलों की वो देखूंगी, अगर नर्सरी मिल जाएंगे तो लेकर आऊँगी, नहीं तो मैं इस बार इन्हीं से अपना काम चलाने वाली हूँ, क्योंकि इन्हीं को लगाने और रखने के लिए मेरे पास जगह कम पड़ रही है। और अब तो इतने ज़्यादा गमले हो गए हैं कि मेरे घर के लोगों को भी थोड़ा सा परेशानी हो रही है, नाराज़ होते हैं मुझसे। ये देखिए यहाँ पे डहेलिया के अभी कलियाँ तो आ रही हैं पर फ्लावर नहीं आया है, और प्लांट भी अच्छे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं। तो ये देखिए ये सारे, और ये देखिए जो छोटे छोटे बेबी प्लांट थे उन सबको मैंने ऐसे रिपोर्ट कर दिया है फिर से, और बहुत ही अच्छे से ये भी तैयार हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर सनफ्लावर अभी और लगे हुए हैं, ये देखिए। और ये कॉस्मस, कॉस्मस के भी प्लांट मुझे इनको भी रिपोर्ट करने हैं। ये देखिए ये उसी विंका की कटिंग थी जो मैंने नीचे आपको दिखाया सेकेंड फ्लोर पर अपने, और बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। और ये देखिए यहाँ पर भी कोचिया के कुछ सीड्स मैंने लगाए थे। जीनिया के तो मैंने सारे रिपोर्ट कर दिए हैं, दो तीन प्लांट मेरे बचे हैं। कोचिया के जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। लास्ट ईयर मैंने कोचिया के बहुत सारे प्लांट लगाए थे, पर इस बार मैं देखूँगी कितने मुझे जगह मिलती है, कितने पॉट खाली मिलते हैं, तो मैं उसी हिसाब से लगाऊँगी। बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊँगी मैं प्लांट। और ये देखिए इसमें भी कोचिया सारे ग्रो हो गए हैं, जो मैंने आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर किया था। और इधर भी जीनिया कुछ प्लांट लगे हैं, और देखिए मोगरा की मेरे ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। और मैंने सिर्फ एक बार इनको फर्टिलाइज़र दिया था, अभी मैं इनको और फर्टिलाइज़र दूंगी अच्छे से ग्रोथ करके, फिर इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए पूरा मैंने यहाँ से प्रून कर दिया था, और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और इसी तरह हिबिस्कस की भी, और अपने रोज़ के प्लांट मैंने सारे प्रून कर दिए हैं, बिल्कुल कट कर दिए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फंगस का अटैक हो गया था। इसकी पत्तियाँ पूरी ब्राउन हो रही थी, और देखिए कितना ब्यूटीफुल सा फ्लावर इसमें खिला हुआ है। सिर्फ एक फ्लावर बस खिला है, बाकी मैंने सारा कट करके हटा दिया, क्योंकि फ्लावरिंग अभी बहुत अच्छे से हो रही थी। लेकिन मैंने पत्तियाँ और देखिए न्यू शूट्स सब में आने भी लगी हैं। देखिए यहाँ से सभी में नई नई पत्तियाँ फिर से आने लगी हैं, और मैंने अभी इनको फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है, तो मैं इनको आज जब मुझे टाइम मिलेगा तो दोपहर के बाद यानी थोड़ा शाम तक मैं इनको फर्टिलाइज़र दूंगी, लगभग 4 बजे के। और थोड़ा सा मैंने इसमें फंगिसाइड का स्प्रे भी किया है, और रोगोर नाम का जो इंसेक्टिसाइड है उसका भी स्प्रे किया है, तो इनकी ग्रोथ अब शायद मेरे ख्याल से तो अच्छी आनी चाहिए। और ये देखिए सभी को मैंने ऐसे ही कट कर दिया है, और एक फ्लावर ये बहुत प्यारा सा था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कमेंट भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।